Hello guys, welcome back to my channel Arya This Side. I know it's been a while since I have posted a vlog, लेकिन guys मैं क्या बोलूँ, मैं जब से दिल्ली आई हूँ मेरी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो रखी है. लाइक मैं अभी तक ढंग से सेटल भी नहीं कर पाई हूँ. मेरे को कोचिंग्स में एडमिशन्स लेनी है और मैं ओवर सेंसिटिव लड़की, आते ही अपना तबीयत ख़राब कर लिया, सर्दी खांसी बुखार, फिर टेंथ का रिजल्ट, इतने सारे चीज़ें तो मेरे माथे पे आ गए हैं ना. ऊपर से गिव अवे, आप लोग पूछ रहे हो गिव अवे का कब करोगे. सो हाँ गाइस, गिव अवे का मैं बहुत जल्दी ही सारे गिफ्ट डिस्पैच करा दूंगी. एंड जिन जिन लोग ने फॉर्म भरा होगा, एज आई सेड फर्स्ट 50 लोग के लिए है, तो जो फर्स्ट 50 लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उन तक गिफ्ट पहुंच जाएंगे. एंड हाँ, फॉर द सेकंड गिव अवे मैंने अभी तक वो स्पेशल गिव अवे वाले पर्सन को चूज ही नहीं करा है, बट हाँ मैं बहुत जल्दी कर लूँगी. एंड उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर आएगा. एंड हाँ, मैं आपको जो पर्सन होंगे मैं उनको टैग करके पूछ लूँगी उनका इंस्टाग्राम आईडी एंड पर्सनली कॉन्टैक्ट है. एंड जहाँ तक मेरी तबीयत की बात है गाइस, मेरे वो बुखार बंद हो गए लेकिन सर्दी खांसी पूरी तरह ठीक नहीं हुए, मतलब खांसी वासी है ही. एंड आवाज़ से भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, अभी जल्दी ठीक हो जाऊंगी. मेरे को ना, मेरा तो यही है, सबसे ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होने का बात यही है कि कुछ हो तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी. इतनी मतलब मैं तो कुछ ठंडा खाए भी नहीं, धूप लग गई होगी उससे तबीयत ख़राब हो गई मेरी, पता नहीं मेरा क्या होगा. सो हाँ, ये व्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे किया नहीं है, मतलब ये दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल ऑफ माय रीसेंट डेज, जिसमें मैंने दोनों कोचिंग्स विजिट किए हैं. एंड आपको मैं वहाँ बताऊँगी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है. एंड मैं बहुत सारा लाइक सेटल डाउन कर रही थी, मैं टेबल लेने गई थी, बहुत सारी चीज़ लेने गई. तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. ये क्लिप्स है 12th ऑफ मे की. एंड अभी मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, हम लोग जा रहे थे मेरे लिए टेबल लेने, क्योंकि एज आई सेड मैं अपने मामा के घर रहने वाली हूँ एंड उधर एक ही टेबल है जो मेरे मामा का है एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम. सो मेरे रूम के लिए हम एक टेबल लेने जा रहे हैं. एंड मेरी दीदी ने भी नया नया नोएडा शिफ्ट किया है अपने पीजी से, तो हम दोनों को टेबल की ज़रूरत होगी ऑफकोर्स, तो हम वही टेबल लेने जा रहे थे. उधर पहुंचने के बाद वी वर जस्ट चेकिंग आउट कि कौन सा टेबल सही है कौन सा नहीं है. एंड मेरे को तो एक बहुत ही एस्थेटिक सा टेबल दिखा है ना, आई वाज लाइक मेरे को ये चाहिए ही चाहिए. तो फिर मैं पूरी हो गई कि मेरे को चाहिए, तो मेरे पेरेंट्स ने वही वो डिसाइड करे थे कि ये लेना है कि नहीं लेना है. फिर वहाँ से हमने वो टेबल को ख़रीदा एंड वहाँ से हम वापस आने लगे, क्योंकि टेबल तो ठेला से आएगा ना. सो फिर हम वापस आने लगे. एंड इन द मीन वाइल हमने और भी कुछ सामान लिया, जैसे मेरे को शेल्स चाहिए थे अपने कॉपीज़ एंड बुक्स रखने के लिए, तो फिर वो हम लोग खरीद के हम लोग सब जा रहे थे वापस. एंड फिर ऑन द वे मेरे को जूस दिख गया एंड मेरी तो आदत है जूस पीने की, लाइक आई लव जूस भाई. मतलब मेरे को ना आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स उतना नहीं पसंद जितने मेरे को मौसमी का जूस पसंद है, तो मेरी तो आदत हो गई है जूस पीने की. तो फिर हमने वहाँ पर जूस पिया, देन हम वापस घर आ गए. फिर हम घर आ गए एंड इधर मेरे पापा और मेरा मामा मेरे टेबल को अंदर कर रहे हैं. सो यस, दिस इज़ माय एस्थेटिक टेबल एंड माय एस्थेटिक सेटअप. ऑल्दो भी इसमें कुछ खास सेट नहीं हुआ है, खाली टेबल और चेयर और ये शेल्स रखाए हैं. मेरे को भी सारे कॉपी किताब, अपना पीसी एंड सब कुछ सेटल डाउन करना है. उसके बाद ये था मेरा दी ग्रेट मेसी रूम. यहाँ पर मेरी नानी, मेरी मम्मा, मेरी बहन, मेरा मामा, मेरे पापा सब हेल्प कर रहे थे कि इसको साफ़ करें. एंड फिर मेरे पापा मेरे लिए पीसी सेटअप कर रहे थे एंड इधर मेरी मॉम और मेरी नानी मेरा रूम बाकी साफ़ कर रहे थे. एंड फाइनली द रूम इज़ क्लियर्ड. एंड इतनी साफ़ सफाई के बाद आई वॉज़ रियली टायर्ड. मेरे घर वाले सब बहुत टायर्ड थे, हम वैसे बाहर गए सामान लाए. एंड उसके बाद फिर शाम हो गई एंड फिर मैं और मेरे पापा निकल गए बाहर जस्ट टू गेट सम थोड़ा छोटा मोटा सामान लेना था, तो हम फिर बाहर आ गए बगल वाले वो मार्केट में. एंड मैंने एक और चीज़ फील करी है ना, कि मतलब पटना में आई वॉज़ नॉट दैट फ्री की, एंड मेरे को परमिशन भी नहीं थी कि मैं ऐसे बाहर जाऊँ ऐसे ऑटो से या रिक्शों से, तो और जाके लाइक सामान वामान लेके आऊँ. बट यहाँ आके आई एम लाइक आई फील वेरी फ्री. एंड यहाँ पर तो मैं लाइक ऑटो पकड़ लेती हूँ, आराम से चले जाती हूँ. एंड यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लाइक आई फील इंडिपेंडेंट. बट लिविंग अलोन कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक मेरे को खुद की केयर करनी है, अपने सब चीज़ की केयर करनी है एंड खुद पे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. सो यस, बट आई स्टिल मिस पटना. मतलब थोड़ा सा दिन हुआ है आए हुए, बट अभी से मैं अपने पटने को मिस करने लगी हूँ. एंड ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स है. एंड आज के दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी. लाइक मेरे को कल रात से तबीयत ख़राब लग रही थी, लेकिन मेरी सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. लेकिन मेरे को आज कोचिंग विजिट करना था लाइक फॉर PCM, तो मैंने जैसे कि कहा कि मैं दो कोचिंग जाने वाली हूँ. एंड अभी मैं जा रही थी एडमिशन कराने, वहाँ पर सारे इंक्वायरी करने, तो
मैं वहाँ जा रही थी बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि आई डोंट नो मैंने कैसे सब हैंडल करा है। एंड यस गाइस, आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ एडमिशन लेने वाली हूँ, तो हाँ मैं PW विद्यापीठ में एडमिशन लेने वाली हूँ। एंड वहाँ जाके हम बैठे हुए थे, वहाँ पर हम लोग को सब चीज़ बता रही थी कि कैसे कैसे क्या होगा, कब से क्लासेस स्टार्ट होगी। एंड फर्स्ट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो मैं सेकेंड बैच ज्वाइन करने वाली हूँ जो बहुत जल्दी हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर। तो फिर लेट्स सी। एंड मैं अब आप लोग को एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। मैं वहाँ लिटरली बैठी हुई हूँ, वहाँ पर उनसे जान रही हूँ कि कैसे कब क्या क्लासेस होगी, क्या फैकल्टी है। एंड उसी टाइम रिजल्ट आ गया। मतलब मेरी किस्मत देखो भाई, मतलब मेरे शाम को आधा रिजल्ट या सुबह आता मेरे निकलने से पहले, बट एट दैट टाइम दोपहर में CBSE वालों ने क्या किया भाई, रिजल्ट दे दिया। एंड वहाँ पर तो मेरे को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। आई वॉज लाइक, मैं तो इतनी शॉक हो गई थी कि मैं क्या करूँ, मैं उधर ध्यान दूँ कि आगे कोचिंग का क्या है, कि मैं अपने रिजल्ट का डिप्रेशन मनाऊँ। बट उधर से फिर मैं निकली तो मेरा मूड इतना ख़राब था, मतलब अपना रिजल्ट देख के इतनी मैं सैड हो गई थी। उसके बाद मैं घर आके मैंने इतना रोना धोना करा। एंड उसी की वजह से मेरी तबीयत और भी ख़राब हो गई, क्योंकि आपको पता है जब आपको ऑलरेडी बुखार होता है, आप रोना धोना कर दो तो आपको तो और बुखार, मेरी बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड एक और चीज़ अबाउट माई रिजल्ट्स, क्यों मैंने रिजल्ट वाली वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मेरी तबीयत उस समय बहुत ख़राब थी। एंड मैं उधर रोना धोना करने के बाद ही मैं वो वीडियो बना रही थी, क्योंकि एज आई प्रोमिस्ड तुम कि मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड एक और चीज़ यही बोल रही थी मेरे को कि गाइस, मेरे जो भी मार्क्स आए हैं वो आई नो मार्क्स थोड़े कम आए हैं, एज आप लोगों ने सबने एक्सपेक्ट कर रखा होगा कि 90 प्लस लेके आएगी, बट डीप डाउन मैं जानती थी कि मेरे को 90 प्लस नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पीछे और भी रीजंस हैं, जो बेसिकली मैं कुछ रीज़न आप लोग को नहीं बता सकती हूँ। एंड मेरे घर वालों ने मेरे को ये भी कहा कि तूने इतना सब होने के बाद भी तूने ढंग के मार्क्स स्कोर करे, बट कोई बात नहीं, जैसे जो मार्क्स हैं मैंने एक्सेप्ट कर लिया है एंड अभी वो अच्छे मार्क्स हैं। एंड अभी मैं अपने फ्यूचर पे फोकस करूँगी। एंड अब मैं आप लोग को भी यही बोलूँगी कि गाइस, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अगर मार्क्स एक्सपेक्टेशन के नहीं आए तो कोई बात नहीं यार, इसी को मोटिवेशन मानो और इसी को मोटिवेशन लेके और आगे पढ़ाई करो। एंड एज आई सेड कि मेरा पूरा वो दिन ख़राब हो गया था, रोना धोना करके, तबीयत ख़राब करके, तो फिर मेरे फैमिली मेरे को बगल वाले मॉल ले गए एंड जस्ट टू कोप मी अप। एंड हमने वहाँ पर बहुत सारी मस्ती की एंड आई एंजॉयड दैट, एंड मेरा मूड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो गया था। देन उसके बाद मैंने उधर पूरा रेस्ट करा, लेकिन मुझे दूसरा कोचिंग क्लैट का कोचिंग भी देखने जाना था, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी। एंड वो लिटरली इतना दूर है ना मेरे घर से, मतलब मेरी मैं तो सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं ट्रैवल करने में मेरा आधा टाइम जाएगा। कोचिंग में आई वॉज नॉट एबल टू टेक कोई क्लिप्स, तो फिर वहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पर हमने बात की, इंक्वायरी करी एंड हम वहाँ पर एडमिशन करा लिया। एंड उस कोचिंग का भी फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रखा था, तो मैं सेकेंड बैच से ज्वाइन करूँगी जो शायद जून से स्टार्ट होगा। एंड वहाँ से फिर हम निकल गए। अगले दो दिन मैं बहुत सारा बुखार में थी, बट फिर जब मैंने थोड़ा सा बेटर फील करना स्टार्ट करा तो मैंने सोचा चल अब पढ़ लेते हैं, कुछ तो पढ़ा नहीं इतने दिन से। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो अपना बैकलॉग्स कंप्लीट करते हैं अपना अर्जुना JEE बैच का, क्योंकि जब तक सारे बैचेस स्टार्ट नहीं हो रहे मैं अर्जुना से पढ़ लेती हूँ। लेकिन जब मैंने अर्जुना बैच का बैकलॉग लिखना स्टार्ट किया, इतने सारे बैकलॉग सारे सब्जेक्ट में, लिटरली 5-10 बैकलॉग्स मैथ्स में लग पड़े हैं, फिर फिजिक्स में लगे पड़े हैं। एंड मैंने सोचा चलो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैंने फिजिक्स के नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट किए। एंड फिर कुछ डायमेंशंस रट रही थी मैं बैठ के, मतलब याद तो थी, रिवीजन कर रही थी। फिर मैंने लेक्चर स्टार्ट कर लिया, बट लेक्चर स्टार्ट करने के बाद आई रियलाइज़ कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा ही बैकलॉग है। एंड देयर इज़ बेसिकली नो पॉइंट इन कम्प्लीटिंग देम, क्योंकि मेरे को इन दिस वीक मेरे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं उसी से पढ़ लूँगी। गाइज, मैंने अपनी बहन का आईफोन 13 ले लिया जस्ट फॉर व्लॉगिंग पर्पसेस, क्योंकि मेरा वाला काम नहीं कर रहा था, ख़राब हो गया था। एंड फिर मेरी बहन को स्विच करना पड़ गया एंड्रॉयड पे। एंड आई ड्रॉप द प्लान ऑफ कंप्लीटिंग बैकलॉग्स ऑफ अर्जुना JEE बैच, क्योंकि वो तो नहीं हो गए। तो फिर मैं 9th का RS अग्रवाल बना रही थी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वन।
See you in the next one. Till then, take care and bye-bye.